हाथों से इन मसालों को हम चला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में आ जाए। 2 छोटी इलायची है, उसे हम तोड़ के हाथों से डाल देंगे तेल में। हमारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से भून चुकी हैं, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इनको एक बार हम चला लेंगे। सब्जियों को हमें आधा लगभग पका लेना है, इसलिए हम इसे इतनी देर के लिए भूनते हैं। सब्जियां भून चुकी हैं, आधी पक चुकी हैं। अब हम इसमें जो हमारे भीगे हुए चावल रखे थे उसे हम डाल देंगे। तरफ चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सब्ज़ी और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसे ढककर हम पका लेंगे। 5 मिनट तक भुनने के बाद ये चावल अच्छी तरह से भुन गए हैं, सब्जियां भुन गई। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। चावल से 1 इंच ऊपर तक हमें पानी रखना होता है, तो यहाँ पर 1.5 गिलास पानी लगा है। अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक पानी अच्छी तरह से सूख जाए। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, खिल गया है बिल्कुल, और ये तहरी बन के रेडी है। ये देखिए सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक गई हैं, चावल अलग अलग हैं बिल्कुल। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। स्वादिष्ट झटपट तहरी तैयार है बनकर। इसे चटनी, रायता, पापड़ किसी के साथ भी सर्व करें और इसे गर्मा गर्म परोसें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि